गाइस तो वेलकम टू मॉम्स लवेबल गैली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए चावलों से पुलाव बनाएंगे। ये हमारे पास हमारे बचे हुए चावल और हरी मिर्ची और कटा हुआ प्याज और आलू। तो चावल का पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई, गरम कर ली है और हम अब इसमें एक चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें राई ऐड करेंगे आधा चम्मच। दूध अब राई चटकने लगी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसे भून लेंगे। अब हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, और अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच खटाई। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आलूओं को 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि वो पक जाए। आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें हमारे चावल डालेंगे। हमने हमारे चावलों को पहले से ही मिक्स कर लिया था ताकि उनमें जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं। और अब हम इन चावलों को मिक्स करेंगे। अब हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब हमने अपने चावल सर्व कर लिए हैं। अब हम इसमें धनिया से गार्निश करेंगे और अब हम इस पर ऊपर टमाटो डालेंगे। अब हम इस पर सेब डालेंगे और ये रेडी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।